मुझे सही सलामत पहुंचने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। ये तो बिन मौसम बरसात वाली बात होगी। ड्यूटी के वक्त पुलिस वाला खुद गायब? क्या हो गया हजूर, सब ठीक? यार पहली बार एक लड़की से मात खा ली, वो बैड लूजर। ओहो, तो सर आज ड्यूटी नहीं ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं। यार ये केस 123 अभी तक सॉल्व भी नहीं हुआ, और अब ये नया केस, ये लड़की का केस। ये लड़की एकदम अजीब है। पहली बार तेरे मुंह से किसी चोर नहीं, एक छुई मुई लड़की के बारे में सुन रहा हूँ। मतलब कमाल हो गया नील साहब। छुई मुई तो कहीं से नहीं है, हाँ जिद्दी है, खूबसूरत भी है और ओवर स्मार्ट। ये वही लड़की है ना जिसने मेरा फोन उठाया था? यार बताना और उसके बारे में। क्या बताऊं यार, तेरा चेहरा देख के मैं ये जरूर बता सकता हूँ, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। थैंक यू। वैसे तो स्विमिंग तो आती होगी ना? यार ये इश्क सब बकवास की बात है, पर कुछ है इस लड़की के बारे में जो परेशान कर रहा है। ये लड़की ना एक मिस्ट्री है। यार ये केस तो बहुत गंभीर लग रहा है। नहीं वैसे जिस केस के बारे में तो इतनी शिद्दत से सोच रहा है ना, इस केस में मैंने पीएचडी किया, पीएचडी। अभी तूने एक शाम बिताई है उसके साथ, और देख देख क्या हाल हो गया तेरा। और मुझे देख, पिछले पंद्रह साल से अवनी के ख्यालों में जी। मजाक उड़ाता था ना तू मेरा, इश्क में हर इंसान का एक दिन मजाक बन ही जाता है मेरे दोस्त। यार मैं यहाँ केस की बात कर, तू हर चीज अवनी से क्यों जोड़ देता है? यार जिंदगी में आता है कोई इस तरह बिना दस्तक दिए, जो ऐसी छाप छोड़ जाता है कि उसके उसके नाम का स्टैम्प ना दिल पे परमानेंट टैटू की तरह छप जाता है। और वैसे ही अवनी नाम का टैटू तो मेरे दिल पे परमानेंट है ना यार। यार मैं केस की बात करूं, लड़की की बात करूं, तू अवनी की बात कर। हाँ अच्छा सॉरी यार, तू पहली बार तो चोर सी जगह किसी लड़की की बात कर रहा है, प्लीज और बताना मुझे उसके बारे में। क्या कह रहा था तू? हाँ प्लीज पूरी डिटेल बता। हाँ प्लीज। वैसे दयावंती मेहता की फैक्ट्री से ये गुब्बारा इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ी सी और हवा भरो और फुर। अब वक्त आ गया अनन्या के मेहतास की दुनिया में अपना पहला कदम रखने का। यहाँ मैं अपना पहला कदम रखूंगी और वहाँ मिसेस दयावंती मेहता की कदमों तले जमीन निकल जाएगी। हाँ रिया की एंगेजमेंट उनके लिए एक बिजनेस डील है, सोसाइटी में अपना ओहदा ऊंचा करना चाहती है वो। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब वक्त आ गया है कि दयावंती मेहता के चेहरे का नकाब हट जाए और सबको पता चल जाए कि जिस नाम शोहरत रुतबे का वो दिखावा करती है, असली में वो एक खोखली लालची और दिखावे की दयावंती मेहता है, जिन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखा है और अब अपनी खुद की पोती को भी गिरवी रखने वाली है सिर्फ अपने फायदे के लिए। बस हमें ये पता लगाना है कि रिया का रिश्ता किसके साथ जुड़ा है। अगर हमने ये पता लगा लिया तो हमारे लिए प्लानिंग करना इजी होगा। वेल, ये सब पता लगाने के लिए ही तो वो फैंसी किटी पार्टीज ज्वाइन की है मैंने। ओह मिस नीला, आपने मनीष कांजा वाला की साड़ी पहनी है? ओह यस, ओह आई गॉट अ फर्वरी। दिखावे की दुकान बिल्कुल इस रिया की तरह ब्यूटीफुल। यार सीरियसली तेरी वाली लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ, बताना यार प्लीज। यार ऐसा कुछ नहीं उस लड़की के बारे में बताने को,
उस लड़की की जुबान कैंची की तरह चलती है। कहने को एक बार भी सॉरी या थैंक यू मुंह से नहीं निकलता। शांत रहना तो उसने सीखा ही नहीं। जैसे ट्रेन के डब्बे में पैदा हुई थी लड़की, नाक पे गुस्सा और हाथ पे एक पंच हमेशा रेडी रहता है। मतलब खतरों से खेलने का शौक है उसे, मुसीबत में खुद ही पड़ जाती है और हेल्प लेने के बाद बोलती है आई डोंट नीड योर हेल्प। अलग ही सैंपल है। क्या देख क्या रहा है यार? अभी तो तू बोल रहा था कि कुछ नहीं उसके बारे में बताने के लिए, क्या बताऊं उसके बारे में? और अब देखो मतलब जनाब ने अच्छी खासी रिसर्च कर डाली है। सर 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 माताजी ने आपके लिए शर्ट्स भेजी। और वो ये शर्ट है, शर्ट की दुकान। क्यों? अरे वो कल एक लड़की ने इनकी शर्ट उड़ा ली थी ना। नहीं नहीं सर हम नहीं, वो माताजी ने आपको दूरबीन से देखा था कल रात को, आप बिना शर्ट के घर आए थे ना। ओह माय गॉड, मतलब स्टोरी में ट्विस्ट और तूने मुझे स्टोरी भी नहीं बताई। यार अली ऐसी कोई बात नहीं है, ये मॉम भी ना आधी दर्जन शर्ट भेज दी इसलिए उसके हाथ। सर माताजी। ओ माताजी के चमचे, लेके जाए शर्ट। नहीं नहीं सर माताजी फोन पर। बोलने नहीं दिया हूँ। जी माँ। पूरी दुनिया से हाय हेलो करने का टाइम है, लेकिन इस माँ दे लाडले को इस माँ से हाय हेलो करने का और बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपका लाडला आपसे मिल रहा है ना मॉम, आज रात को डिनर पे। नॉट फेयर, नॉट फेयर टिल्लू, प्लीज अपडेट मी अब। और तू रात को वो बिना शर्ट के घर के अंदर क्यों घुसा था? व्हाट हैपेंड? माँ शाम को मिल रहा हूँ ना, सब अपडेट कर देगा आपको। ओके हाँ, लेकिन अभी क्यों नहीं करेगा? माँ प्लीज। अच्छा 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 आई वेट। हाँ बट यू रिमेम्बर डेट? अरे तेरी आज डेट है, भूल गया तू? तूने ऐसे फोन किया क्या? माँ मुझे याद है। ओके बाय। टिल्लू टिल्लू क्या हुआ टिल्लू? दिस इज एम्बैरेसिंग। अरे यार, अरे बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल की बर्बादी के आसार नजर आ रहे हैं, बड़े बदले बदले से मिजाज नजर आ रहे हैं आपके। अमीन यूं कोने में अकेले बैठ जाना, ये शर्ट उतार के दे देनी, वो सारा दिन उसके बारे में सोचना, उफ कहीं ये मोहब्बत तो नहीं होगी हमारे नील से आपको? तुम लोग ना एक काम करो, दोनों यहाँ आराम से बैठ के गपशप लगाओ, मुझे ना कुछ अर्जेंट काम है, मैं करके आता हूँ। नहीं एंजॉय। येरा तेरा फोन। बाय टिल्लू 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 टिल्लू। परफेक्ट, एक सेल्फी क्लिक हो जाए। स्टेटस अपडेट, हैशटैग कड़ा, हैशटैग ट्रेडिशनल फॉर अ डे, हैशटैग हैप्पी मी स्टोर, ओके हैशटैग संक्रमण जूलर पोस्ट। रिया मेहता राइट? यू नो मी? ऑफ कोर्स माय फैशन आइकन, आज की डीवा, आपको कौन नहीं जानता है? दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अनन्या, अनन्या वर्मा, हाय, आपकी नंबर वन फॉलोअर। बट हम मिले कैसे? सोशल मीडिया पर। अभी भी हम सोशल मीडिया की वजह से ही मिले, मुझे पता चला कि आपने इस शॉप में चेक इन किया है, सो मैं आ गई। आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू सी यू। फाइनली मैं अपने स्टाइल गुरु से मिल रही हूँ। थैंक यू सो मच अनन्या, कैन आई टेक वन सेल्फी विद यू? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू, मैंने आपके साथ पिक्चर डाली और अभी इतने फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, काफी फेस वैल्यू है आपकी। ऑफ कोर्स, मेरा तो दिन बना दिया आपने, थैंक यू सो मच। Wow!
वेरी प्रिटी, अभी खरीदे आपने? नहीं नहीं, ये एक्चुअली मेरा एंगेजमेंट गिफ्ट है। वाओ, वेट, रिया मेहता गॉट एंगेज्ड? नो नो नो, मेरी सगाई हुई नहीं है, इनफैक्ट मेरी सगाई कल है। कल? वाओ, आप तो अपने नॉर्मल आउटफिट में भी इतनी गॉर्जियस लगती है, तो अपनी सगाई के आउटफिट में तो आप कितने गॉर्जियस लगोगे। वाओ, यू नो व्हाट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, मेरे कड़े, डिजाइनर ज्वेलरी, डिजाइनर ड्रेस, आउटफिट, फुटवेयर, एवरीथिंग। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी एंगेजमेंट के लिए। वाओ, कल आपकी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट दिन होगा ना। आई विश कि मैं आपको उस आउटफिट में देख पाती, पर कोई बात नहीं, मैं आपकी पिक्चर्स ही देख लूंगी। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वैसे मैं अपनी पिक्चर सोशल मीडिया में अपलोड करूंगी, तुम वहां पे जरूर देखना। ओके, डन। आप अपने डिजाइनर आउटफिट के साथ ये एंटीक कड़ा पहनोगे? काश हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते, तो मैं भी आपके साथ आपकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट दिन शेयर कर सकती। तुम कर सकती हो। अब अनन्या, अनन्या तुम्हें कल मेरी एंगेजमेंट पार्टी पे जरूर आना है। मैं भानी ना, मैं तो बस ऐसी एक्साइटमेंट में बोल दिया, मैं कहा आपकी सगाई में। आई मीन आपकी तो गेस्ट लिस्ट भी ऑलरेडी सेट हो गई होगी ना। लिसन, मेरी सगाई है ना और मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तो तुम्हें अब आना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। नो इफ एंड नो बट। नहीं नहीं, वो आपके घर वाले बुरा मान जाएंगे तो मैं ऐसे एंड मोमेंट पे आ जाऊंगी। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारी ना अभी अपनी दादी से बात करवाती हूँ, शी विल लव यू, जस्ट वेट। हेलो दादी, देखिए ना मेरी फ्रेंड अनन्या को, वो मेरी एंगेजमेंट में आने के लिए मना कर रही है, अब बोलिए ना उसे आने के लिए। हाँ हाँ जरूर, दो उसे दो फोन। जी दादी, ये लो, मेरी दादी से बात करो।